हाय फ्रेंड, तो आज देखिए हम आज आप लोगों को कैंसिल फैन इंस्टॉल कर करना सिखाएंगे और घर बैठे ही आप लोग भी कर सकते हैं। और ये जो फैन है ये देखिए रिमोट वाला फैन है और देखिए हमें इसको यहाँ पर खोल रहे हैं तो और देखिए इसके अंदर क्या क्या है। ये देखिए सबसे पहले देखिए इसका रिमोट है, ये रिमोट से कंट्रोल होगा और ये देखिए इसका क्लैंप है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 2 सेल भी दिया हुआ है कंपनी वाले लोगों ने। और ये इसका पाइप है, पाइप तो इसका तो पाइप तो नहीं लगता है क्योंकि पाइप का बहुत ज़्यादा छोटा देते हैं, 1 फुट पाइप देते हैं, कम से कम 1.5 फुट के आसपास हर घरों में ही लगता है, 1 फुट भी अब उतने मानता नहीं है। तो ये देखिए हमने फैन को यहाँ पर बाहर निकाल लिया है, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया। इसका प्लास्टिक भी देखिए हमने अच्छे से बाहर निकाल लिया। और ये इसका देखिए टोपी है, ये नीचे लगेगा टोपी इसका और ये वाला ऊपर जाएगा। तो देखिए बिल्कुल सही है। तो ये इसका देखिए पत्ती भी है, इसको हम निकाल लेते हैं, इसका पंखुड़ी, ये मात्र 36 वाट का है फ्रेंड, इन्वर्टर का फर्स्ट क्लास अच्छे चलेगा ये। और ये देखिए व्हाइट कलर का ये फैन है, चलने में बहुत मस्त है ये चलता है फ्रेंड। आज इसको इंस्टॉल करना हम आज आप लोग को बताएंगे कि क्या क्या सावधानी इसमें रखनी पड़ती है। तो हमने ऐसे इसका पत्ती को नहीं निकाल लिया है और यहाँ पे इसको रख देते हैं। और बारी बारी से इसका पत्ती है, इसको हम टाइट करते हैं। सबसे पहले इसका इसको हम खोल लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है इसका स्क्रू, ये जो पेपर के पास दिया हुआ है ये स्क्रू खुलेगा यहाँ पर, इसके ऊपर से पतीला लगेगा। तो यहाँ पर हम इसका पंखी को अच्छे से कस लेते हैं। तो इसको हमने देखिए नीचे रख लिया क्योंकि इसमें अच्छे से ये खसा नहीं पाएगा, तो इसका देखिए मोटर को हमने यहाँ पर रखा है। अब इसको अच्छे से हम कर देते हैं। तो ये फ्रेंड मार्केट में अभी न्यू न्यू आया हुआ है, 4-5 मंथ तो हो रहा है, आसपास हो रहा होगा। ये रिमोट वाला भी आ रहा है और वाईफाई वाला भी आ रहा है। तो हमारे पास अभी देखिए वो रिमोट वाला पंखा पंखा हम यहाँ पर देखिए इंस्टॉल कर रहे हैं। इसमें सारा फंक्शन है इसमें, और इसमें देखिए धीरे धीरे तेज करने के लिए भी सिस्टम दिया है और नाइट के लिए LED भी दिया है इसमें। इसके स्क्रू को अच्छे से हम कस लेते हैं, इसका बारी बारी से इसका स्क्रू को हम लगा के टाइट करेंगे। अभी हम कंपनी वालों कितना अच्छा फैन बनाया हुआ है रिमोट से, सोते सोते इसको अब लोग चालू बंद कर सकते हैं। और इसका रेगुलेटर सारा इसी के अंदर है, किट वाला है, कम वाट में है, बिल्कुल परफेक्ट है। और इसका वारंटी की बात करें तो ये 3 साल की वारंटी के साथ है। इसको अच्छे से हम टाइट करेंगे ताकि ये चलने के साथ समय इसका पेच वेच नट जो भी हो इसका ढीला ना हो। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने इसका 3 पत्ती था, हमने इसको टायर से कस लिया है। तो
ये इसका है, और यहाँ पर हमको इसको लगाना है। देखिए ये वाला पंखा यहाँ पर है, उसको हम हटाएंगे, ये और ये इसका पाइप है। तो ये वाला पाइप हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगाने वाले, क्योंकि इसका पाइप बहुत ज़्यादा छोटा है, 1 फुट का पाइप, और यहाँ पर करीब 1.5 फुट का पाइप लगा हुआ है। तो हम उस वाले फैन को अभी जा रहे हैं निकालने के लिए ऊपर। देखिए यहाँ पर हमने इसको बंद कर दिया है, अभी इसको हम खोले खोलेंगे। तो सबसे पहले हमको टेबल जो जरूरत पड़ता है, और उसके बाद इसको हम चढ़ेंगे। अब यहाँ से हम इसको खोलेंगे, यहाँ पर नट दिया हुआ है। इसका नट को हम प्लास की मदद से इसको खोलेंगे हम। इसमें दो दो टूल्स की जरूरत पड़ती है, एक तो टेस्टर पड़ता है और एक दूसरा प्लास लगता है इसमें। इसके बाद ये अच्छे से खुल जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको निकाल लें, इसका नट सबसे पहले खोल रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ से इसका नट खोल कर देखे, यहाँ पर इसको हमने निकाल लिया है। इसमें एक लॉक रहता है, तो लॉक को हमने यहाँ पर लिया हुआ हाथ में। इसके बाद देखिए इसका जो वायर को इसको अंदर से करेंगे पाइप के अंदर। उसके बाद ये जो टोपी है इसको ना हम निकालेंगे तार को अंदर से करने के बाद। ये देखिए टोपी को हमने यहाँ पर इसको निकाल लिया है। अब इसके बाद ऊपर वाला भी टोपी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखिए अब देखिए जो नीचे वाला फ़ैन का जो न्यू वाला फ़ैन हमने लाया इंस्टॉल कर रहे हैं, ये वाले टोपी इसमें हम लगाएंगे। सबसे बड़ा वाला टोपी ऊपर जाएगा फ्रेंड, इसको तार के अंदर से देखिए हम इसको पहना रहे हैं इसको अच्छे से। और इसके बाद इसको ऊपर करके इसको हम थोड़ा सा टाइट कर दे रहे हैं यहाँ पर, ताकि ये इसका टोपी नीचे ना आए। तो ये देखिए हमने यहाँ पर टाइट कर दिया। अब इसके बाद ये देखिए छोटी और टोपी हम नीचे लगाएंगे। इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर हम टाइट कर देते हैं हल्का सा, ताकि ये नीचे ना सरके। तो ये देखिए अब इसके बाद इसका वायर को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसमें करंट भी होता है फ्रेंड, तो इसको सावधानी के साथ करते हैं हम। आप लोग भी इसको बिना किसी इलेक्ट्रिक के बबल आए हुए आप लोग मत कर कीजिएगा। तो हम इसका तार को भी बाहर निकाल रहे हैं। तो ये देखिए अब जा रहे हैं हम यहाँ पर पंखा को टांगने के लिए। उससे पहले देखिए नट हम यहाँ पर हाथ में ले रहे हैं। देखिए अब इसके बाद इसको हम लगाते हैं। इसके बाद देखिए नट को हम यहाँ पर लगा दिए हैं, और इसको अच्छे से हम टाइट कर देते हैं, ताकि इसका नट पंखा चलते समय ये ढीला ना हो। और इसमें एक लाख भी आता है, तो लाख को लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये देखिए हम जा रहे हैं इसमें लाख को लगा दे रहे हैं। कंपनी वाला एक लॉक पिन देता है, आगे नट के आगे एक छोटा सा छेद रहता है, उसमें लॉक को लगाना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको अच्छे से लॉक फंसा देते हैं यहाँ पर। इसके बाद देखिए हम इसका कनेक्शन कर रहे हैं।
हम आप लोगों को अच्छे से दिखा देते हैं ऊपर कि हमने इस पर कनेक्शन कैसे किए हैं। इस पर कनेक्शन देखिए फ्रेंड, ऐसे आप लोग भी तो कर सकते हैं। एक ऊपर वाले में कनेक्शन होगा, एक नीचे वाले पे। इसका देखिए टोपी यहाँ पर है, तो टोपी को अभी हम थोड़ा सा ढीला करते हैं ताकि ये नीचे आ जाए। तो ये देखिए काम करेंगे, तो इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। तो फ्रेंड देखिए अभी इसको हम चालू कर दिए यहाँ पर रिमोट से। ये पूरा कंट्रोल है फ्रेंड, देखिए यहाँ से आप 5 नंबर किए हैं। देखिए पास वाला चल रही है 5 नंबर पर, एक नंबर बहुत कुछ चल रहा है। फूल और बीच में देखिए LED दिया हुआ है, 5 LED दिया हुआ है। और यहाँ से देखिए फ्रेंड, और यहाँ से देखिए यहाँ पर लाइट दिया हुआ है नाइट के लिए। चालू होगी, देखिए ये नाइट है LED। देखिए ये देखिए, और यहाँ से ये बिल्कुल तेजीरा भी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है LED भी दिखा हुआ है, तो इससे लाइट जगह लगी इसके अंदर और लाइट बंद भी हो जाएगी। तो यहाँ से ये देखिए ऑफ ऑन भी दिया, तो देखिए हमने यहाँ से इसको ऑफ कर दिया है। तो ये देखिए ऑफ हो गया। अब इसको हम चालू करते हैं, तो ये देखिए फ्रेंड इसमें लाइट चलता है उसके हिसाब से ये चालू बंद होता है। देखिए ये बहुत अच्छा सिस्टम दिया हुआ है कंपनी लोगों ने, लाइट के साथ पंखा के साथ लाइट दे दिया, लाइट पंखा दे दिया, तो सिस्टम बोले तो।